नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं राज सर दिल्ली लेकर आया हूँ इंग्लिश का एक नया टॉपिक। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अबाउट टू। अबाउट टू मीन्स हिंदी सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? वाला है, वाली है एंड वाले हैं। अबाउट टू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम होने वाला होता है। हुआ नहीं दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद हम अबाउट टू का यूज करेंगे। अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, ये रहा हमारा फार्मूला। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं पहला सेंटेंस, वह घर जाने वाला है। इस सेंटेंस से हमें क्या पता चला दोस्तों कि ये हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या आया, वाला है। देन वी हैव नोन दिस इज ए यूज ऑफ अबाउट टू। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब करेंगे यूज दोस्तों, ही के साथ हम इज, ही इज। अब क्या है ये, वाला है, वाली है, वाले हैं, तो फिर इसके बाद हमें क्या यूज करना है, अबाउट टू, ही इज अबाउट टू। ओके, अब क्या है वर्ब हमारे जाने के, गो होम या गो टू होम। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन के तैयार हो गया। क्या बना दोस्तों सेंटेंस, ही इज अबाउट टू गो टू होम। वो घर गया नहीं है दोस्तों, अभी वो जाने वाला है। सेकेंड सेंटेंस, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ओके दोस्तों, अब इस सेंटेंस से देखिए कि कोई काम क्या है, सेंटेंस क्या बता रहा है, मैं हूं और आपको अभी पढ़ाया नहीं हूं, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा। और सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाला में, यानी इट विल टेक सम टाइम, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा दोस्तों आई, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम, फिर अबाउट टू पढ़ाने के लिए टीच यू, आई एम अबाउट टू टीच यू। अब हमें यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, इन्हीं में हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट साथ पे हम क्या यूज कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे, यानी कोई काम नहीं होने वाला है। अब सेंटेंस एक बनाते हैं, बच्चे अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, बच्चे अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। ये हमारा सेंटेंस हो गया और ये हमें नहीं मिला हिंदी में, तो हमें पता चला कि ये किसका यूज है, अबाउट टू का, और नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर देना है। जैसे चिल्ड्रेन आर नॉट अबाउट टू, क्या नहीं करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, स्टडी। नाउ चिल्ड्रन आर नॉट अबाउट टू स्टडी नाउ, तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ओके दोस्तों, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, आप खुद ही इस सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। जैसे वह मुझसे बहस नहीं करने वाला है, वह मुझसे बहस नहीं करने वाला है। हाँ दोस्तों सोचिए, हाँ आपने ठीक सोचा, वह मीन्स ही, और ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। ही इज नॉट अबाउट टू आर्ग्यू विद मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, कुछ स्टूडेंट आज क्लास अटेंड नहीं करने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट आज क्लास अटेंड नहीं करने वाले हैं। सम स्टूडेंट्स आर नॉट अबाउट टू अटेंड द क्लास टूडे। अब एक आपके लिए दोस्तों, वह मुझसे दोस्ती करने वाली है, वह मुझसे दोस्ती करने वाली है,
सोचिए क्या होगा इसका। 1, 2, 3। हाँ जी दोस्तों, आपने सही गेस किया है, सी इज अबाउट टू फ्रेंडशिप विद मी। अब एक और सोचते हैं दोस्तों, स्टूडेंट्स आज के बाद झूठ नहीं बोलने वाले हैं। सोचिए, स्टूडेंट्स आज के बाद झूठ नहीं बोलने वाले हैं। एक बार और दोस्तों, स्टूडेंट्स आप आज के बाद झूठ नहीं बोलने वाले हैं। बनाइए, आपके माइंड में आया है क्वेश्चन, हाँ जी स्टूडेंट्स आज के बाद झूठ नहीं बोलने वाले हैं, तो क्या होगा, बनाइए दोस्तों। हाँ, स्टूडेंट्स आर नॉट अबाउट टू टेल अ लाई आफ्टर टुडे, यू कैन ऑल्सो से फ्रॉम टुडे। अब हम कुछ सेंटेंस बोर्ड में लिखेंगे और बाकी हम डायरेक्ट आपसे बनवाएंगे। आप सुनिए, ट्रांसलेट करिए, आपको टाइम दिया जाता है और मैं भी आपके साथ ट्रांसलेट करूँगा। एक और सेंटेंस, मेरी मम्मी कुछ देर बाद खाना पकाने वाली है, मेरी मम्मी कुछ देर बाद खाना पकाने वाली है। सोचिए क्या होगा इसका दोस्तों। हाँ जी, मेरी मम्मी कुछ देर बाद खाना पकाने वाली है। सोचिए, 1, 2, 3। माई मदर इज़ अबाउट टू कुक द फूड आफ्टर सम टाइम। आज दिल्ली में बारिश होने वाली है, इट इज़ ए पॉसिबिलिटी, आज दिल्ली में बारिश होने वाली है, तो क्या होगा सोचिए, आज दिल्ली में बारिश होने वाली है। हाँ जी, तो जब भी बारिश का वर्ड आएगा तो हमें दोस्तों क्या यूज करना है, इट का यूज करना है एज ए सब्जेक्ट। इट इज़ अबाउट टू रेन इन दिल्ली टुडे। एक और देते हैं यदि आप लोगों के पास टाइम है तो। हाँ, मैं कुछ देर बाद पूजा करने वाला हूँ, मैं कुछ देर बाद पूजा करने वाला हूँ। अब आपको दोस्तों सोचना है कि सेंटेंस किस तरह से चालू होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी और वर्ब क्या होगी। फिर से मैं बोलता हूँ दोस्तों, मैं कुछ देर बाद पूजा करने वाला हूँ। हाँ जी, तो सब्जेक्ट इज आई, आई के साथ क्या यूज करेंगे, एम। आई एम अबाउट टू वर्शिप आफ्टर सम टाइम। वह दिल्ली में एक फ्लैट नहीं खरीदने वाला है, कोशिश करिए, वह दिल्ली में एक फ्लैट नहीं खरीदने वाला है। तो दोस्तों क्या हुआ, हाँ, ही इज नॉट अबाउट टू बाय ए फ्लैट इन दिल्ली। मैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने वाला हूँ, मैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने वाला हूँ। तो दोस्तों इसे कैसे बोलेंगे, हाँ सोचिए, मैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने वाला हूँ। 1, 2, 3 एंड यू आर फ्री टू टेल। हाँ जी दोस्तों, इसका क्या होगा, आई एम अबाउट टू प्ले क्रिकेट विथ चिल्ड्रन। मुझे अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनवाने हैं दोस्तों। अब मैं आपको ज़्यादा व्हाइट बोर्ड में नहीं बताऊँगा, आई विल टेल यू ओनली सम एग्जाम्पल्स ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड आई विल गिव यू चांस दैट यू विल मेक द सेंटेंस। ओके दोस्तों, ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि जब आपको एक चीज़ पढ़ाया जाएगा और आप खुद ही प्रयास करेंगे, देन यू विल हैव कमांड ऑन इंग्लिश। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मुझे साथ दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बना करके आपके सामने करता रहूँ। जय हिंद।